हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अवर चैनल दिल की बात। आज है संडे और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी दोपहर को 12:15 बजे से, और डायरेक्ट किचन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज सुबह हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किए थे। कल रात को जो फ्रेंड के घर से खा के आए थे ना, तो वो बहुत हेवी हो गया था, चिकन राइस ये सब था, मिठाई वगैरह, तो बहुत हेवी हो गया था। इसलिए सुबह हम दोनों को किसी को भूख भी नहीं लगा और आज वॉक पे भी नहीं गए, सो रहे थे। तो इसलिए सौरभ ने बोला कि आज ब्रेकफास्ट मत बनाओ, डायरेक्ट लंच बना लो, तो डायरेक्ट लंच कर लेंगे। इसलिए मैं आ गई किचन में, तो वही मैं आज बनाऊंगी, राइस बनाऊंगी। और जो दो पीस मछली था ना, मैंने बोला था कि तंदूरी बनाऊंगी इसे, लेकिन सौरभ बोल रहा है कि तंदूरी मत बनाओ, जो लास्ट दिन जो ग्रेवी वाला मछली जो बनाया था वो राई के पेस्ट डाल के वही बना लो। तो मैंने बोला ठीक है, वो तो और ज्यादा ईजी है, तो वही बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैं बनाऊंगी थोड़ी सी आलू भाजी, तो इसलिए आलू काट के मैंने पानी में भिगो के रखा है, कढ़ाई भी चढ़ा दिया है, बस फटाफट खाना बना लूंगी। संडे है ना, तो आज इसीलिए हर किसी के घर पे एकदम फुल वॉल्यूम में गाना चल रहा है। सुबह जब हमारी नींद खुली थी उसी टाइम से सुन रहे हैं कि किसी के घर पे बहुत जोर जोर से गाना बज रहे हैं। पता है संडे है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। लास्ट संडे का तो आप लोगों को तो पता ही है कि क्या हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं था। मतलब पूरा हफ्ता इंसान ऑफिस के काम करने के बाद सोचते हैं कि वीकेंड में आके सैटरडे संडे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, लेकिन सैटरडे संडे अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देता है फिर तो सोचो क्या होगा। तो इसलिए इस संडे लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इवन कल रात तक, कल तो ऐसे इंडिपेंडेंस डे के लिए सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, दोस्त वगैरह सबके घर आए थे, सब दोस्त वगैरह आए थे, पार्टी वार्टी भी हो रही थी शायद। तो वही कल रात को 1-2.5 बजे तक मैं तो जागी थी, कल काफी लेट हो गया था मुझे सोने में, क्योंकि हम लोग तो घर ही आए 10 बजे। उसके बाद फिर नहा के फ्रेश होके जब मैं सोने के लिए गई तो उस टाइम पे ऑलमोस्ट 11:30 से 12 बज रहा था। फिर उसके बाद सौरभ तो सो गया था, लेकिन मुझे तो एडिटिंग करना है ना, तो फिर एडिटिंग का काम खत्म हुआ मेरा 2:30 या 3 बजे के आसपास। तो फिर उसके बाद जाके मैं सोई, लेकिन उस टाइम पे भी 2:30-3 बजे भी मैं सुन रही थी कि किसी के घर पे बहुत जोर से गाना वाना बज रहा था, चिल्ला मिली की आवाज भी आ रहे थे, काफी एंजॉय कर रहे लोग। तो इस संडे भी किसी के घर पता नहीं सुबह से बहुत लाउड म्यूजिक बज रहा है, शायद संडे एंजॉय कर रहे होंगे सब लोग। तो बस वही आज खाना वाना खाके, और हाँ आज ना आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, पता चलेगा शाम के टाइम पे, वो मैं डिस्क्लोज करूंगी आप लोगों से। अभी इसीलिए जल्दी जल्दी खाना वाना बना के, और मैंने नहाया भी नहीं, नहाना भी पड़ेगा, सौरभ ने नहा के पूजा कर लिया। हाँ आप देखिए आज डे 3 है, मेहंदी का कलर अभी भी सही है ना, अभी भी सही है मेहंदी का कलर, बर्तन वगैरह सब कुछ धोड़ी, थोड़ी सी शायद लाइट हो गई है लेकिन फिर भी ठीक ही है। खाना बन गया है, चावल है यहाँ पे और इसमें है आलू भाजी और इसमें है मछली और ये सैलड सौरभ ने बनाया। अभी शाम को 6 बज रहा है और अभी वो सरप्राइज़ का टाइम भी आ गया है। तो मैंने जो आप लोगों को बोला था कि एक सरप्राइज़ है, वो है आज मैं और सौरभ हम दोनों मिलके करने जा रहे हैं फूड चैलेंज, वो भी नो हैंड फूड चैलेंज, यानी हम लोग कुछ खाएंगे, कुछ एक फूड चैलेंज होगा लेकिन उसमें हम हाथ यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आई नो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन फिर भी देखते हैं, ऐसा कुछ कभी ट्राई नहीं किया था पहले, तो अभी फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, तो देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो इसीलिए अभी मैं और सौरभ दोनों जाएंगे नीचे सुपरमार्केट में कुछ चीज़ें खरीदने के लिए। तो मैं अकेली जा रही थी, लेकिन फिर सौरभ ने बोला, सौरभ बहुत चालाक है, सौरभ ने बोला कि नहीं तुम अकेले क्यों जाओगे, फिर तुम्हारे मन पसंदीदा खाने तुम उठा के लाओगे जो कि तुम आसानी से खा लोगे और फिर मैं खा नहीं पाऊंगी, तो इससे अच्छा है दोनों चलते हैं और दोनों जाके दोनों मिलके दोनों का जो पसंद है या नापसंद है उसके हिसाब से कुछ खरीद के लाते हैं। मैंने बोला हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो तुम चल सकते हो। तो वही सौरभ अभी रेडी हो रहा है, तो और मैं रेडी हो गई हूँ, रेडी होने का क्या है, बस नॉर्मल तो टॉप भी पहन लिया है, तो बस अभी नीचे जा रही हूँ और देखते हैं कुछ सामान खरीद के लाते हैं, उसके बाद फूड चैलेंज होगा। स्टे ट्यून्ड।
आगे हम लोग सब सामान खरीद के, तो इस बैग में है वो फूड चैलेंज का सामान, क्या क्या है वो जब मैं अनपैक करूंगी उस टाइम पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। अभी ये सारे चीजों को एक बार सैनिटाइज कर लेती हूँ अच्छे से। सौरभ भी आ गया है यहाँ पे फूड चैलेंज के लिए और वो तो हमेशा रेडी अच्छा कुछ खाने के लिए। ये जो सब कुछ मैंने खरीदा है, मतलब किसी ने खरीदा है ऑब्वियसली, बिल उसने पे किया था जो कुछ भी उसने खरीदा है तो दोनों के हिसाब से खरीदा गया है। मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या खरीदे हैं। डाइटिंग का हो गया मेरा डाइटिंग, सिर्फ एक चीज को लेके हम दोनों में दुकान पे खड़े होकर लड़ाई हो रही थी, ठीक है, लेकिन फिर फाइनली वो चीज हमने खरीद लिया। तो यहाँ पे है दो पैकेट चिप्स, पोटैटो चिप्स ना, पोटैटो चिप्स है दो पैकेट, और एक पैकेट कितने ग्राम का है, 200 ग्राम्स ईच, ठीक है, यानी 200 ग्राम 400 ग्राम्स। और यहाँ पे है दो छोटा थम्स अप, और इस चीज को लेके लड़ाई हो रही थी। इसमें है पेस्ट्री, और सौरभ को पेस्ट्री बिल्कुल नहीं पसंद और मुझे चिप्स इतना नहीं पसंद, तो उसने चिप्स उठा लिया, बोला कि चिप्स रखते हैं चैलेंज में, तो मैंने बोला अगर चिप्स होगा तो फिर पेस्ट्री भी होगी क्योंकि मुझे पेस्ट्री पसंद है। तो यहाँ पे है चॉको चिप्स पेस्ट्री। तो ये है आज का हमारा फूड चैलेंज का सामान, तो और प्लेट भी मैंने ले लिया है। और फूड चैलेंज ये होगा कि दोनों को हाथ ऐसे पीछे की तरफ करो, ऐसे हाँ ऐसे पीछे की तरफ करके सिर्फ मुंह से पूरा प्लेट साफ करना है और पूरा खाना कंप्लीट करना है। हाथ नहीं लगा सकते हो, अगर हाथ लगाओगे तो फिर पेनल्टी भरना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन हाथ लगाना ही नहीं है, ठीक है, अगर हाथ लगाओगे तो पेनल्टी नहीं, तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट। तो जो हाथ लगाएगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, और जो हारेगा उसके लिए पनिशमेंट है, जो जीतेगा उसके लिए कुछ प्राइज नहीं है, लेकिन जो हारेगा उसके लिए पनिशमेंट है, और वो पनिशमेंट हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो ठीक है, चलिए ये सब कुछ हम लोग सर्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं। तो ये हमने सर्व कर लिया है, और कोल्ड ड्रिंक्स का कैप ओपन करके रखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मुंह से तो सील पैक खोला नहीं जाएगा ना। तो यहाँ पे मैंने सर्व कर लिया है, और जो थोड़ा बहुत क्रीम जो इसमें लगा हुआ था वो मैं खा ली थी। तुमको खाना है? नहीं जी। चाटो? ना। इसको रख के आती हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ टिश्यू भी रख दिया है अगर जरूरत पड़े तो। बेटा उड़ जाएगा ना? ठीक है, ठीक है, चलिए पक्का हार जाएगी। नहीं,
मेरा ऑलमोस्ट खत्म। बहुत है। I'm done. हार गई। ना नहीं। पास तू ना। लेट दिखाओ। See my plates. It's done. See. बस इतना सा था मेरा। इतना सा था। इतना लेके आया। मैं हार गई। एक बार हड्डी खत्म कर लो। खाओ आराम से। मुझे पता था इसके साथ जीत ही नहीं सकते कोई क्योंकि बहुत तेजी से खाता है ये। बोली कैसे पी लिया? ठीक है ये मैं खत्म कर लेती हूँ। बाकी का मैं तो हार ही गई चैलेंज। मेरे फेवरेट पेस्ट्री में आराम से खा नहीं पाई। हार गई चैलेंज तो जो जितना सा बचा है इतना सा मैं आराम से खा लेती हूँ। बस इतने से जितना मैं हार गई और बोली भी बस इतना सा खाया। अभी फूड चैलेंज कंप्लीट हो गया एंड एज पर द रूल्स जो हारेगा उसे पनिशमेंट मिलेगा एंड हमने डिसाइड किया था कि जो हारेगा इस फूड चैलेंज में वो मिर्ची मैंने रखा था मिर्ची खाएगा वो दो मिर्ची खाएगा वो दैट इज़ अ पनिशमेंट। सो अभी मैडम गुस्साई हुई है एंड ये आप देख सकते हैं ये देखिए। अरे दिखाओ अपना मुँह। तो अभी ये मिर्ची खाने के लिए तैयार नहीं हो रही है। मिर्ची तो खाना पड़ेगा ना दैट इज व्हाट वी हैव डिसाइडेड राइट। सो वी यू हैव टू मिर्ची छोड़ के कुछ भी दे। सो दैट इज व्हाट वी हैव डिसाइडेड राइट। मिर्ची छोड़ के नहीं आपको करना ही पड़ेगा भाई ऐसा नहीं होता है। चैलेंज इज चैलेंज यू हैव टू ठीक है। नहीं क्यों तो फिर किया क्यों? इसने मुझे जानबूझ के हराया है। फिर किया क्यों चैलेंज? तो इसका मतलब मिर्ची खिलाओगे? हाँ तो मिर्ची दैट इज व्हाट वी हैव डिसाइडेड राइट। वही तो मैं बोल रहा हूँ। जो मिर्ची आता है ना ये बहुत तीखी वाली मिर्ची है। हाँ तो वो सोचना चाहिए था ना जब पनिशमेंट दे के बारे में हम सोच रहे थे। सो लेट्स ऐसा कुछ पनिशमेंट देगा ये कि मिर्ची खाना है। ठीक है तो अभी चलिए मैं मिर्ची लेके आता हूँ और उसे खाना पड़ेगा अभी के अभी। अगर तुम हारते तो मैं कभी मिर्ची नहीं खिलाती तुम्हें। पकड़ो तुम बात करो मैं मिर्ची लेके आता हूँ। प्लीज मिर्ची छोड़ के कुछ भी मिर्ची खाया जाता है क्या? ये ना मुझे जानबूझ के एक तो हराया है। पता नहीं शायद इसके प्लेट में कम खाना था मेरे प्लेट में ज्यादा खाना था। बाबू लॉन्ग का है ना प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज। सुने नहीं रहा है मिर्ची लाने चला गया फ्रिज में। तो ये देखिए मैंने बाजार से मिर्ची लाया था इस बार देख के लाया था पता नहीं क्यों। ये जो मिर्ची होती है ना छोटी वाली मिर्ची होती है एक होती है बड़ी एक छोटी। तो बेसिकली जो छोटी मिर्ची होती है ना बहुत ज्यादा तीखा होता है एंड उसे ये चीज शायद पता नहीं था। अगर पता होता तो ये एक्सेप्ट नहीं करती। तो मैंने दो मिर्ची लाया है धो के एंड यू हैव टू एज पर द रूल्स यू हैव टू टेक इट एंड यू हैव टू ईट। दो मिर्ची मैंने कौन से कॉन्ट्रैक्ट में उन्हें साइन किया था कि दो मिर्ची खाना है? अरे मिर्ची खाना है मैंने मिर्ची के लिए हाँ बोल दिया तो उसको मतलब दो नहीं दो नहीं पड़ेगा ऐसा। अरे खाओ यार। नहीं वो सब नहीं होगा नहीं होगा ऑन कैमरा हाथ धो। नहीं नहीं वो सब नहीं होगा चलो प्लीज प्लीज दो नहीं इतना हस्बैंड हो ठीक है इतना तो दया करो। चलिए मैं मान गया आप उसे एक मिर्ची खाना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम से फूड चैलेंज रखने से पहले सोच लेना ठीक है। सो एक मिर्ची अभी वो खाएगी ठीक है ऑन कैमरा तुम्हें ये खाना पड़ेगा। चलो स्टार्ट खा रही हूँ फाइनली। चलो 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 फटाफट सीरियसली आ आ आराम से
हाँ पानी है उधर रखा हुआ। इट्स ओके, दिस इज व्हाट कॉल्ड फूड चैलेंज। पानी तो पी सकते हो? आँख नाक मुंह सब खुल जाएगा तुम्हारा। अरे दिलचे भूमि पड़ी नहीं, अभी मुंह धुए ला, उल्टी नहीं किया मैंने, बस पानी डाल के आई मुंह में, कुल्ला वाले कुल्ला करके आई। सीरियसली बहुत छाल चिला, इसका रिवेंज तो मैं जरूर लूंगी। हाँ ये होता है फूड चैलेंज। ओके गाइस कंटिन्यू करो, क्लोज करो वीडियो। सो गाइस अभी ये इसका प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो गया है, अभी इसको थोड़ा मैं नॉर्मलाइज करता हूँ एंड सी यू टुमारो अगेन एक नई वीडियो के साथ, ठीक है? तो तब तक मैं अभी इसको नॉर्मलाइज करने में मुझे टाइम लगेगा और बैकग्राउंड में बताऊंगा कल आपको क्या हुआ इसके बाद, ठीक है? एंड तब तक के लिए वेट कीजिए एंड लेट्स यू नो। मैं अभी भी बिलीव नहीं कर पा रही हूँ किसने मुझे सच में मिर्ची खिलाया है। एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आज का फूड चैलेंज आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गुड नाइट, बाय बाय।